तो भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को अयोग्य ठहरा दिया गया है और इसके साथ ही जो गोल्ड जीतने का सपना था भारत का ओलंपिक्स में, कम से कम विनेश फोगाट के जरिए वो यहां धराशायी होता दिखाई दे रहा है। लेकिन पूरा देश, 140 करोड़ देशवासी विनेश फोगाट के साथ होने का दावा कर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल वक्त में उन्हें सांत्वना देने की और एक तरह से संबल देने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई अभी आगे और लड़नी, आगे और भी खेल होंगे, इसमें मनोबल छोटा ना हो, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। एक इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। साल 2016 रियो ओलंपिक, 8 साल बाद 2024 पेरिस ओलंपिक। साल भले ही अलग अलग हैं, लेकिन खिलाड़ी एक है और दर्द भी एक। उम्मीद टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन ओलंपिक के फाइनल मुकाबले से विनेश के बाहर होने से 140 करोड़ भारतीयों का दिल भी टूटा और दर्द भरी आवाज भी सुनाई दे रही है। देश की पहलवान बेटी जो पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल मुकाबले में पहुंची, देश को उनसे गोल्ड की उम्मीद बढ़ गई, लेकिन वो डिस्क्वालिफाई कर दी गई। विनेश फोगाट को ओलंपिक में अयोग्य घोषित कर दिया गया। 50 किलो वर्ग के फाइनल में ओवरवेट होने के चलते डिस्क्वालिफाई कर दिया गया। विनेश का 100 ग्राम वजन ज्यादा निकला, जिसकी वजह से वो फाइनल से बाहर हो गई। 140 करोड़ भारतीयों को उम्मीद थी कि देश की पहलवान बेटी पेरिस से सोना लेकर लौटेगी, लेकिन वो फाइनल खेल पाती उससे पहले ऐसा झटका लगा जिसने न सिर्फ देश को झकझोर दिया बल्कि उनके परिवार को भी हिला कर रख दिया। सबसे बड़ा सदमा पूर्व भारतीय पहलवान और विनेश के ताऊ को लगा है। बेटी के फाइनल न खेल पाने का दर्द उनकी आंखों से छलक आया। मैं तो माँ बाप, मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज का बड़ा दुख है, जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो न जीत जा करके जो हो गया, तो सारे देश को दुख है। तो 150 ग्राम वजन फालतू था, वो वजन नहीं आया, उस वजह डिस्क्वालीफाई कर दी। देखिए, वो तो जो फेडरेशन है, जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, वही फैसला करेंगे। जो वहाँ कुश्ती लड़ा रहे सिर्फ उनके हाथ में, सिर्फ वही जो वहाँ फैसला लेंगे इसके बारे में। वो तो ना कोई सरकार कर सकती, सिर्फ वही कर सकते हैं। वहाँ जो बैठे हैं, जो कुश्ती लड़ा रहे, ये डिस्क्वालीफाई होगी तो सबको दुख है। लेकिन मैं विश्वास दिया तो आगे और जो मेहनत करेंगी। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी विनेश को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके खेद जताया। पीएम ने लिखा, विनेश आप चैंपियंस की चैंपियन हो, आप भारत का गौरव हो और हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत हो। आज के झटके से दुख पहुंचा है, काश मैं शब्दों में बता पाता कि इस समय कितना मायूस हूं, लेकिन मुझे पता है कि आप फिर वापसी करेंगी। चुनौतियों का डट कर सामना करना आपके स्वभाव में है, मजबूती से वापसी करो, हम सभी आपके साथ हैं। विनेश फोगाट गोल्ड की तैयारी कर रही थी, रात भर एक्सरसाइज कर रही थी, लेकिन मात्र 100 ग्राम वजन गोल्ड पर भारी पड़ गया और देश का सपना चकनाचूर हो गया। विनेश के डिस्क्वालीफाई होने को जहां बीजेपी एक बड़ा नुकसान बता रही है, तो वहीं अखिलेश समेत तमाम विपक्षी नेता इसके पीछे गहरी साजिश बता रहे हैं। अगर ऐसा हुआ है तो देश का नुकसान हुआ। सर, आपको लगता है कि अपील करना चाहिए इसके ऊपर? हाँ जरूर, फेडरेशन इसमें अपना ही जवाबदेही करेगी, देखेगी, बात करेगी कैसे क्या हो सकता है। आपको लगता है कि अपील में आप जाएंगे, उसका समर्थन करेंगे? हम अपने तरफ से 100 ग्राम ओवरवेट होना, ये कितना हास्यास्पद और मजाक का कारण है कि उसके आधार पर आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं। 100 ग्राम ओवरवेट तो कुछ भी खाने से हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और साफ शब्दों में कहना चाहिए, अगर 144 करोड़ भारतवासियों का अपमान करोगे, अगर भारत की बेटी का अपमान करोगे, उसके साथ अन्याय करोगे, तो हम ओलंपिक का बहिष्कार करेंगे। भारत सरकार निर्णय ले ओलंपिक के बहिष्कार का। ये घोर अन्याय है विनेश फोगाट के साथ, विनेश के साथ पूरा देश खड़ा है। 8 साल पहले रियो ओलंपिक में चोट लगने के कारण देश की पहलवान बेटी मुकाबले से बाहर हो गई। 2020 टोक्यो ओलंपिक में हार के बाद उन्हें खोटा सिक्का कहा गया, लेकिन 2024 पेरिस ओलंपिक में जब विनेश ने गोल्ड मेडलिस्ट को पटखनी देकर फाइनल में जगह बनाई, तो देश को लगा कि आपकी बारी गोल्ड पक्का है, लेकिन वो सपना टूट गया और विनेश ओलंपिक से बाहर हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां आपको बताएं कि कल संसद के अंदर वक्फ संशोधन बिल पेश होने जा रहा है। 11 बजे बताया जा रहा है 40 अमेंडमेंट्स इसमें करने की बात है, 40 तब्दीलियां जो करने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। हालांकि टेबल पर अभी तक बिल नहीं रखा गया, लेकिन इससे पहले ही विपक्ष का विरोध भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में कल सदन के अंदर क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है देखने वाली बात होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल संसद में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल, 40 बदलाव करने के प्रावधान के कहे जाने की बात है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर पता करना होगा कि क्या कुछ प्रावधान होते हैं, लेकिन उससे पहले ही रुख कम से कम विपक्ष का बहुत तीखा रहा है इस फैसले को लेकर। और 11 बजे कल सदन के अंदर लोकसभा में ये बिल पेश किया जाना है। वक्फ की जो शक्तियां हैं उनमें कटौती और एक तरह से जो अभी तक का बही खाता रहा है उसकी स्क्रूटनी की भी यहाँ पर बात है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव जुड़ रहे हैं। वैभव, वक्त के साथ तब्दीलियाँ हर चीज़ में ज़रूरी होती है, और ये जो वक्फ संशोधन बिल है ये इसीलिए लाया जा रहा है क्योंकि समय के हिसाब से जो ज़रूरी बदलाव हैं वो करने चाहिए, लेकिन उसको लेकर उबाल हमने पहले ही देख लिया और कल तो पेश होने वाला है बिल। देखिए सलोनी, बिल्कुल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो कल पास होगा तकरीबन 11 बजे वो सदन के पटल पर रखा जाएगा, जिसके बाद वोटिंग होगी। सबसे अहम ये है क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम तरह के शिकायतों के बीच कई ऐसे जो है वो केस स्टडीज भी हैं जिनमें देखा गया है कि कई लोगों की संपत्ति जो है वो वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति बताता है, और जब वो संपत्ति को लेकर आगे की कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो आगे की कार्रवाई को लेकर नियम यह है कि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों का सिर्फ और सिर्फ चयन जो है वो बोर्ड ही करेगा और उसकी सुनवाई जो है वो वक्फ बोर्ड के ही अंतर्गत होगी। अब जब कल ये बिल सदन में पेश किया जाएगा तो ये तय है संशोधन के तौर पर जो 40 महत्वपूर्ण बिंदु बताए जा रहे हैं उन बिंदुओं में इसकी शक्ति जो है उसकी उस पर नियंत्रण जो है वो किया जाएगा। इस शक्ति पर अंकुश लगाने के वो हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि किसी भी तरह से जो किसी की जो निजी संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड अपने कब्जे में ना ले, क्योंकि अमूमन ऐसी भी खबरें बीच में तमाम आई कि वक्फ बोर्ड ने किसी की संपत्ति को कब्जे में लेकर उसे या तो किराए पर दे दिया या तो फिर उसका सौदा कर दिया। हालांकि वक्फ का जो नियम है वो साफ तौर पर ये कहता है कि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत अगर कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति को धार्मिक कार्यों के लिए दान करता है तो सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल धार्मिक कार्यों के लिए ही होना चाहिए, लेकिन ऐसी कई खबरें आई हैं जिसके बीच ये समझा जा सकता है कि वक्फ बोर्ड में हस्तक्षेप बहुत जरूरी था, और यही वजह है कि अब सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी। वक्फ बोर्ड में एक मजिस्ट्रेट लेवल का अधिकारी जो है वो भी यहां पर तैनात किया जाएगा, जिसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष भी कोई अपनी शिकायत लेकर जा सकता है। ऐसे कई बदलाव हैं, कहा यह भी जा रहा है कि कुछ महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड में स्थान जो है वो मिलने की संभावनाएं हैं, यानी कि वो तमाम बिंदु, क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर आज से ही विवाद नहीं रहा है। आजादी से पहले की बात करिए, जब 1913 में पहली बार इसको लेकर ब्रिटिश भारतीय जो सरकार थी उसने कानून बनाया था, उसके पहले लंदन की प्रिवी काउंसिल में एक मुकदमा गया था। जब वैभव अभी ये बिल टेबल होना है और उससे पहले ही विपक्ष ने अपना रुख जाहिर कर दिया है, विरोध शुरू हो गया है बिना ये जाने कि क्या प्रावधान किए जा रहे हैं। अलग अलग नेताओं के रामगोपाल यादव का बयान आया, प्रमोद तिवारी का बयान आया कि ये प्रावधान ठीक नहीं है, क्या कुछ कहा है विपक्ष ने, एक बार सुनवा देते हैं पहले दर्शकों को। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव इस वक्त हमारे साथ है। रामगोपाल जी, वक्फ अमेंडमेंट बिल आने वाला है, इस पर समाजवादी पार्टी का क्या टेक है? पूरी तरह इसका विरोध करेगी, पूरी ताकत से, संसद को भी नहीं चलने देंगे जरूरत पड़ी तो। ये कहना है कि पहले जो उससे पार्टीज हैं उनसे बात कर लें, अपने दोस्तों से बात कर लें, नीतीश और राव साहब से।